चाहते हैं कि आत्मा का अनंत सुख पाने के लिए संसार का जो भौतिक सुख है उसका त्याग करना आवश्यक है। त्याग करना वो सही सुख पाने का एकमात्र उपाय है। शायद ये बात बिना लॉजिक आपके दिमाग में नहीं जमेगी, इसलिए दाखला को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण देने के साथ में आपको समझाऊं कि मान लो कि आपके हाथ में चने हैं, चने आपको बहुत भूख लगी है और आपने एक थैली में चना साथ में लिया है और आपने दिखा सामने बादाम का ढेला पड़ा है। अब आपके पास थैली एक ही है तो भाग्यशाली आप क्या करोगे, एक थैली है, थैली में आपने चना भरा है, एक थैली है, थैली में आपने चने भरे हैं। अब ये बादाम आपने दिखी, आपको बहुत अच्छी लगी, अब आपके पास थैली तो एक ही है तो आप क्या करेंगे वो मुझे बताइए। दोनों में से पहला काम क्या करोगे, क्या बात है, मगर चना खाली कर दिया और बादाम भरने का टाइम न रहा तो उससे अलावा क्या करना अच्छा है, आप क्या करोगे वो बताओ। आधा खाली करोगे क्या, मुझे गलत सिखाते हो यार, दुबली वाले ऐसे आधा आधा चना खाली करते हैं। रिस्क लेनी पड़ती है, किसने बोला, हाँ वो भाग्यशाली ऐसा बोलते हैं कि रिस्क करना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है और हिम्मत रख के चने को खाली करेंगे तो ही बादाम को अंदर में भर सकते हैं, सही बात है। और जो व्यक्ति चने को खाली करके बादाम को थैली में भरते हैं वो समझदार है या मूर्ख है, जवाब दो, जवाब देते रहो भाग्यशाली, वो समझदार है ना। ये संसार के जितने भी सुख है ना भाग्यशाली, नींद में से बाहर आ जाओ, इस संसार में जितने भी भौतिक सुख है वो सब चने जैसे हैं और हमारा जो दिमाग है वो थैली है, हमारा जो दिमाग है ना वो थैली है। इस थैली में आज तक आपने भौतिक सुख के चने ही भरे हुए हैं। हमको पता चल गया कि अध्यात्म की दुनिया में बादाम जैसे सुख है, हमको पता चल गया कि अध्यात्म की दुनिया में बादाम जैसा सुख है, अब मगर भगवान ने बोला अध्यात्म का सुख जो तुझे पाना है तो उसकी सबसे पहली शर्त यह है कि चने जैसे भौतिक सुखों को मन रूपी थैली में से निकालना पड़ेगा। तो चने जैसे सुखों को छोड़ना वो बादाम पाने का, बोलो ना वाक्य तो पूरा करो, बादाम पाने का रास्ता वो है कि सबसे पहले चने को निकालना पड़ता है। आध्यात्मिक सुख को पाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। तो भौतिक सुखों का त्याग करना वो सही उपाय है या गलत उपाय है, आज तक हमारे दयालु अरिहंत भगवान फरमाते हैं कि आत्मा का सुख को जो आपको पाना है तो आपको त्याग धर्म का आराधन करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है, आज तक भगवान की ये बात आपके दिमाग में जमी है या नहीं जमी है, सच में बोलना, मुझे खुश करने के लिए गलत जवाब मत देना। आपकी मान्यता क्या है, भौतिक पदार्थ का परिग्रह संग्रह और उपभोग करने से सुख मिलता है या भौतिक पदार्थों का त्याग करने से सुख मिलता है? त्याग करने से अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? मैं आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी दृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है जिसका दृष्टि का परिवर्तन हो गया है उसका जीवन का परिवर्तन तो आपो आप ही होने वाला है। आज कोई अपनाते नहीं है वैसा बोलते हो, मगर सब समझते तो है ना, क्या आप में से एक भी नहीं समझते हैं?
आप शांतिलाल जी आपको बोलता हूँ, आप में से एक भी नहीं समझते आप लोगों की। मैं आपको पूछता हूँ, उनको नहीं पूछता हूँ, मेरे सामने को वहां पर पीछे नहीं दिख रहा है, आपको पूछता हूँ, जो सुनता है उनको पूछता हूँ। आप सब सुनते हो ना, सभी को पूछता हूँ, जो सुनता है उनको ही पूछता हूँ, नहीं सुनता है उनको नहीं पूछता हूँ। तो भाग्यशाली सम्यक दर्शन यह चीज है, भौतिक पदार्थ को भोगने से सुख मिलता है, भौतिक पदार्थों को भोगने से सुख मिलता है, वो मान्यता हमारे वहां भगवान फरमाते मिथ्यात्व की। भोगने से सुख मिलता है वो मिथ्यात्व दशा है, और छोड़ने से अंदर का सुख प्रकट होता है वो समझदारी सम्यक दर्शन है। आज तक आप भगवान की कितनी भी पूजा करो, भगवान के पीछे कितने लाखों रुपया का खर्च भी कर दो, मगर आपकी अंदर की सोच तो वही है, जो मजा करना है तो भौतिक सुख को संग्रहित करना ही पड़ेगा। छोड़ने से सुख नहीं मिलता है, भोगने से सुख मिलता है। उस मान्यता जब तक आपकी टूटी नहीं है, ये मान्यता जब तक आपकी टूटी नहीं है, तब तक आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं हुआ है भाग्यशाली। और लिखो, अंतर में लिख दो, हमारे भगवान फरमाते हैं जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है, तब तक आपका आप जितना भी धर्म करो वो धर्म तात्विक रूप से निष्फल। तात्विक रूप से बोलता हूँ, जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है, तब तक आप कितना भी धर्म करो वो धर्म आपका मोक्ष को खींच के नजीक नहीं ला सकता है। तो जैसे मैं आपको बोलूं, भाग्यशाली शून्य का मूल्य कितना है, शून्य का मूल्य कितना है, शून्य का मूल्य कितना है, कोई मूल्य सही बात, शून्य का मूल्य कितना है, ऐसे गिनो तो कुछ नहीं, और बस ऐसे गिनो तो करोड़ों का मूल्य है। कब करोड़ों का मूल्य होता है और कब उसका मूल्य कुछ नहीं, कब होता है ऐसा, जब आगे एकड़ा, एकड़ा ही बोलते हैं, जब आगे एकड़ा लगाया है, एकड़ा बगड़ा तगड़ा कुछ भी, कोई भी अंक आगे लिखा है तो पीछे लिखा हुआ शून्य का मूल्य कितना बढ़ता है, 10-10 गुना, कितना बढ़ता है, 10-10 गुना, मगर कब, आगे अंक लिखा है तो, आगे जो अंक नहीं लिखा है तो 50 शून्य आपने रख दिया, कितना गुनाकार होगा, 0, उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरी बात ध्यान में रखो, आपने एम्बिल किया तो 1 शून्य लगाया, आपने सुपात्र दान किया 2 शून्य लगाया, आपने भगवान अरिहंत की अष्ट प्रकारी पूजा की 3 शून्य लगाया, आपने कोई गरीब को 100 रुपये का दान किया 4 शून्य लगाया, आपने मासक श्रमण की तपस्या की 5 शून्य लगाया, कितना शून्य अब तक लगाया है, मगर आगे अंक लिखा है या नहीं लिखा है वो कभी सोचा, आप तो शून्य करते गए और दिमाग में आप खुशी का अनुभव करते रहे, मैंने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, गौरव लेने लगे, अहंकार को भी आपने पोषण कर दिया, मगर मेरा प्रश्न ये है, इतना धर्म का शून्य, धर्म करना वो शून्य बराबर है, वो ध्यान में रखो, धर्म करना वो शून्य जैसा है। उसका महत्व जो आगे सम्यक दर्शन का अंक नहीं लिखा है ना, सम्यक दर्शन का अंक आगे नहीं लिखा है, तो आपने जो भी शून्य लगाया वो सब मूल्य विहीन है। मैं नहीं बोलता हूँ, हमारे शास्त्रकार भगवंत ऐसा फरमाते हैं, तो जितना भी शून्य लगाया वो सम्यक दर्शन के बिना मूल्य विहीन है। और आगे सम्यक दर्शन को प्रकट कर दिया ना, तो बाद में मासक श्रमण नहीं, सिर्फ आपने नवकाश जी का बचखान किया वो भी मूल्यवान, सम्यक दर्शन के साथ आपने सिर्फ 12 नवकार गिना ना, वो भी आपका मोक्ष को खींच के निकट लाने वाला है। तो मुझे वेदना दर्द ये हो रहा है कि आप भगवान वासुपूज्य दादा की पूजा कितनी सालों से करते हो,
भगवान वासुपुच्य दादा की पूजा कितनी सालों से करते हो? आज जब से यानी कि 25 साल से आप पूजा करते हो ना, 18 साल से आप पूजा करते हो, उससे पहले भी जहाँ रहते होंगे संतीनाथ दादा की कंजगार गली में भी आप शायद पूजा करते होंगे। इतनी सालों से आप पूजा भी करते हो, इतनी सालों में प्रदूषण का प्रतिक्रमण कितनी बार किया? जब से बुद्धि प्रकट हुई 2-4 साल की उम्र थी तब से हर साल आप प्रदूषण के प्रतिक्रमण भी करते हो। आप में बैठे हुए कितने लोगों ने शायद 28 तक की आराधना भी की होगी, मगर इतना धर्म करने के बाद सम्यक दर्शन का अंक आगे लिखा है या नहीं लिखा है वो सोचने की तस्ती कितनी बार ली? तो मूल्यवान आवश्यकता किसकी है? मां सक्षमण की आवश्यकता ज्यादा है या सम्यक दर्शन की आवश्यकता ज्यादा है भाग्यशाली? तो ये सम्यक दर्शन क्या है? तो हमारे भगवान फरमाते हैं सम्यक दर्शन की बहुत व्याख्याएं 4 महीने में आती रहेगी। सब व्याख्याएं एक दूसरे से सम्मिलित है, एक दूसरे को तोड़ने वाली व्याख्याएं नहीं है, मगर अलग अलग ढंग से, अलग अलग शाब्दिक प्रयोग से, अलग अलग एंगल से सम्यक दर्शन की विविध व्याख्याओं दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। एक व्याख्या पहले आगे के प्रवचनों में मैंने बताई थी, जो मृत्यु को खराब मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो मृत्यु को खराब मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो जन्म को खराब मानता है वो सम्यक दृष्टि है। आपका नंबर किसमें? आपका नंबर किसमें? घबराते क्यों? सब आप जैसे ही है, संकोच मत रखना। बोलो, कल तक मिथ्यात्व में थे, अब मिथ्यात्व टूटा नहीं है, मगर भगवान की वाणी का स्वाध्याय कर करके मैं मेरे मिथ्यात्व को तोड़ने की साधना करूंगा भाग्यशाली। तो जो मृत्यु को खराब मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो जन्म को खराब मानता है वो सम्यक दृष्टि है। आज दूसरी व्याख्या दे रहा हूँ, पदार्थों को भोगने से सुख मिलता है वैसा मानना वो मिथ्यात्व है, और पदार्थ को छोड़ के अंदर की आत्म स्वरूप की स्थिति को उजागर करने में सुख मिलता है वैसी जो दृढ़ शब्द उसको भगवान सम्यक्त्व बोलते हैं। कितने दिनों में मैंने क्या क्या सुनाया, उसका स्वाध्याय करते हो या नहीं करते? यहाँ से व्याख्यान छोड़ के सुन के आप निकलते हो, दूसरे दिन सुबह में व्याख्यान में आते हो, बीच में गुरु महाराज ने प्रवचन में क्या क्या फरमाया उसका स्वाध्याय करते हो या नहीं करते हो? नहीं करोगे तो आपको वो फायदा कारक कैसे रहेगा? आपकी आत्मा में जो कुछ परिवर्तन लाना है, आपकी अंदर की सोच को निर्मल बनाना है, आपकी आत्मा की अंतरंग अभ्यंतर पवित्र स्थिति को पुष्ट करना है, तो ये सब सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होगा, ये सब स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को भावित करना पड़ेगा, तो ही ये व्याख्यान आपको सुना हुआ फायदा कारक लगदा लाभदायी बन सकता है। सिर्फ सुनने से आपका कल्याण नहीं हो सके। तो हमारे भगवान अरिहंत प्रभु ने फरमाया है, भोगवने में पीछे अंतरंग अभ्यंतर भीतर में दुख छुपा हुआ है। कैसे दुख छुपा हुआ है वो आगे उपधान की बातों में करूंगा। जब उपधान कराऊंगा ना, दिवस फाइनल कर दिया है, आसो शुक्ला दशमी, आसो सुद दशम, यानी अपने वहां उसको दशहरा बोलते हैं, दशहरा के दिन हम उपधान तब की आराधना का मंगल प्रारंभ परमात्मा की कृपा से करेंगे। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है भाग्यशाली, खुद की आत्मा की साधना करना है, सिर्फ उपदान करके नवकार मंत्र का लाइसेंस लेना है, इतना ही नहीं। ये तो अभी आपके सामने मैं थियोरिकल प्रवचन कर रहा हूँ, अभी जो प्रवचन कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी कृपाएं है, मगर प्रैक्टिकल आपको साधना करना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उपदान में जुड़ो, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ, आपको मैं टिकाऊंगा, आपको जहाँ भी तकलीफ होगी मेरे साधु तो आपकी सेवा में हाजिर है, अभी आप हमारी सेवा करते हो, उपधान में हम आपकी आध्यात्मिक सेवा करेंगे, आपको मानसिक डिस्टर्ब हो तो हम आपको प्रेम से समझा कर टिकाएंगे और आत्मा का रसा स्वाद आपको पिलाएंगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि 1.5 महीना आप हमारे साथ रहोगे ना, तो
निकलने के वक्त आप बोलेंगे महाराज साहब फॉर्म जब भरा तब तो डर लग रहा था मगर अब घर में जाने का मन नहीं होता है, आपको आपका घर परिवार याद भी नहीं आएगा, वैसा मैं आपकी आत्मा की परिणति को ऊंचे उठाने की कोशिश करूंगा और भगवान की कृपा से मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि आप सिर्फ जैसे एक सामयिक करना है तो 48 मिनट बैठ के सामयिक कर लिया और भाग गए, वैसा आपका उद्धार नहीं होगा, आपको अंतरंग आनंद की स्पर्शना होगी ही होगी, मैं आपको आनंद की अनुभूति करा के ही रहूंगा, मगर वैसा आराधना करने के लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा, दूर से ही आप डर से आओगे ही नहीं तो ये कैसे पाओगे, हम भी डर गए होते, आज मैं परम आनंद का रसा स्वाद का अनुभव करता हूँ, जब गुरुदेव ने दीक्षा का प्रदान किया तब मैं भी डर गया होता, गुरु महाराज मैं दीक्षा ले तो लूंगा मगर लेने के बाद पालना नहीं कर पाऊंगा, कभी कभी कोई दिक्कत आएगी, मेरी सोच भी बदल जाएगी और मैं नहीं टिक पाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं डर से नहीं गाया होता तो आज ये मैं कैसे पाता, समझ में आता है, तो भाग्यशाली ने बीच में बोला ना रिस्क तो करना पड़ता है, ये भी रिस्क करना पड़ता है, और दीक्षा तो लेने के बाद कभी घर पे नहीं जा सकते हैं, उपधान में 47 दिन तो ठीक है, आपने 4 दिन किया नहीं जमा तो मैं आपको पौषक भरा दूंगा, आप चिंता मत करना, 4 दिन आपने पौषक किया, हाँ 4 दिन तो आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप आओगे उस दिन आपको मजा नहीं आएगी, उस दिन तो कठिन लगेगा नहीं जमता है, मगर 4-6 दिन करोगे ना बाद में आपको धीरे धीरे जमेगा, और एक अधारिया पूरा होते होते तो आप बोलोगे महाराज साहब अब तो उद्यान पूरा करके ही जाना, इतनी मजा आपको आएगी मैं चैलेंज से कहता हूँ, तो शुरू में 4 दिन तो आपको नहीं जमेगा, हो सकता जो पहले दिन से जम जाए तो धन्यवाद, नहीं भी जमे तो हमें इतनी छोकर मत बाल चेष्टा नहीं करना है, आज आया और कल भाग गया, ऐसा नहीं, 4 दिन आप टिको मेरी ओर से, मेरे लिए 4 दिन टिको, 4 दिन टिकने के बाद 5वें दिन नहीं जमा आप बोलोगे गुरु महाराज घर पे ही जाना है, मैं आपको मार सिर पे हाथ घुमाकर प्रेम देके मैं आपको घर पे भेज दूंगा, आप चिंता मत करना, अगर एक बार शुरुआत तो करो, शुरुआत ही नहीं करोगे तो आगे की प्रगति कैसे होगी, तो आसो सुदी दशम के दिन उपधान तक का प्रारंभ करना है, 2-4 दिन में शायद फॉर्म भी आ जाएगा, और जिस दिन आप फॉर्म भरोगे ना उस दिन से ही आपका पुण्य चालू, जिस दिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मान लो कि फॉर्म भरना है, कब भरोगे महाराज साहब आसो सुद दशम के दिन उपदान शुरू होने वाला है ना, आसो सुद एकम के दिन भर देंगे, ठीक है, मैं कभी बोलता हूँ कि आपके पास घर में 1 लाख रुपया पड़ा है, अब बैंक में जमा कराना है, आज कराओ महीना के बाद कराओ 2 महीना के बाद कराओ, फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, तो जिस दिन आप बैंक में जमा कराते हो उस दिन से ही आपका ब्याज का मीटर चालू हो जाता है, वैसे जिस दिन आपने संकल्प किया जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन से ही आपका पुण्य बढ़ने का शुरू हो जाता है, तो भरना ही है, तो 2 महीना के बाद भरो या आज भरो आपको दिक्कत क्या है, आज से भरोगे तो आपका मन धीरे धीरे मक्कम बनता रहेगा, और लोग आएंगे ना हमारे से बताओ तो सही फॉर्म का क्या बोलते फाइल बताओ ना, फॉर्म की फाइल बताएंगे ना उसमें लिखा होगा कि अशोक भाई ने भी अपना फॉर्म भरा है, आंटी ने भी भरा है, राजेंद्र भाई ने भी भरा है, सुरेश भाई ने भी भरा है, शांतिलाल जी ने भी भरा है, तो दिक्कत और अन्य व्यक्ति को भी लगेगा ये सब जुड़े हुए हैं तो मुझे भी मजा आएगा, चलो ना मैं भी भर दूं, और क्या होगा वो जो फॉर्म भरेगा ना उसका पुण्य का हिस्सा भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपका फॉर्म दिख के आप सब जुड़ने वाले हो, इसलिए उसने मन बनाया, तो वो जो 47 दिन में उद्यान तप की आराधना करेगा उसमें निमित्त बनने का पुण्य ऐसे ही आपको कुछ मेहनत के बिना मिलता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है 2-4 दिन में फॉर्म आ जाएगा, जब भी फॉर्म आ जाए तब तुरंत ही फॉर्म की पड़ापड़ी होनी चाहिए, मैं हुबली में तो कितने 7,000 जैन व्यक्तियां है ना,
7000 की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, सिर्फ 700 लोग आ जाए तो भी मेरा हुआ सम्मान। यहाँ जितने जाजम पर या कटासले में बैठे हैं उतने ही फॉर्म भर देंगे तो भी चलेगा। समझ में आता है? ठीक है, अपनी बात यह है, सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्यात्व क्या। भगवान फरमाते हैं पुद्गल पदार्थ में सुख छुपा हुआ है, ऐसी जो दृढ़ मान्यता वो ही मिथ्यात्व है। फिर से बोलूं, जितने वर्मक्या इतने मूल्यवान होते हैं कि बार बार दोहराने का मन होता है। उद्गल पदार्थ में सुख छुपा हुआ है, वैसी जो दृढ़ मान्यता, इस मान्यता को ही भगवान ने मिथ्यात्व बोला है। और आत्म स्वरूप की अनुभूति में ही सुख छुपा हुआ है, वैसी दृढ़ मान्यता को भगवान सम्यक्त्व बोलते हैं। और जब तक मिथ्यात्व टूटा नहीं है तब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हो सकती। जब तक मिथ्यात्व टूटा नहीं है तब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती है। जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती है तब तक आप कितना भी धर्म करो उस धर्म से पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी, मगर वो पुण्य वो धर्म मोक्ष को निकट खींच के नहीं ला सकता है। समझ में आता ही है ये भेद रेखा? भाग्यशाली में जो बोल रहा हूँ आप लोग शर्म रखते हो, आपके मन में कितने प्रश्न होते हैं मुझे पता है, आपके मन में कितने भी प्रश्न होते हैं, मगर आप डर से या तो शर्म से प्रश्न करते नहीं हो। प्रश्न करोगे ही नहीं तो सत्य आपके हाथ में कैसे आएगा? शर्म को छोड़ के मैं जब आज से 15 साल पहले डीसा बनासकांठा में, डीसा करके नगर है शहर है, डीसा शहर में उस वक्त जैनों के 900 या तो 900 से ज्यादा 1000 जितने जैन परिवार थे, व्याख्यान में करीबन 700-800 लोग हर रोज आते थे। वहां की प्रजा इतनी जिज्ञासु थी कि जब मैं प्रवचन करता ना, हर प्रवचन में कभी कभी तो ऐसा हो जाता एक साथ 6 जगह से प्रश्न आता, एक साथ मुझे बोलना पड़ता कि मेरा मुंह एक ही, तो 6 लोगों का प्रश्न का जवाब एक साथ मैं नहीं दे सकता हूँ। पहला वो भाई आप बोलो, उनका जो प्रश्न था उसका जवाब दिया, बाद में दूसरा भाई का प्रश्न शुरू होता उनका जवाब दिया, तब तीसरा भाई का, एक साथ 6-6 व्यक्तियों का प्रश्न एक साथ आता और मेरा पूरा प्रवचन वार्तालाप में ही खत्म होता। तो मुझे बोलने में मजा आती है और आपको भी संतोष मिलेगा, आपकी जिज्ञासा का शंका का निवारण होगा तो ही आपको निष्ठा से विश्वास भी बैठेगा। इसलिए पूछना है तो डरना मत, प्रेम से पूछते रहना। अभी आगे चलता हूँ। तो उद्गल पदार्थ में सुख छुपा हुआ है, वैसी जो मान्यता, इस मान्यता को हमारे सर्वज्ञ भगवान मिथ्यात्व बोलते हैं। और ये तो मेरा भ्रम है, वास्तविक सुख को मेरी आत्मा में ही छुपा हुआ है, इसलिए मुझे आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। आत्मा में छाई हुई जो विकृतियां है उस विकृतियां को जलाकर आत्म स्वरूप को शुद्ध बनाना है, और शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति में जो आनंद छुपा हुआ है वो आनंद चक्रवर्ती के सुख से भी बड़ा जज्वल्यमान होता है। ऐसा जिसकी नाभि में से रोम रोम से आवाज निकलता है, भगवान फरमाते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि। आपको तब जितना करना है इतना करो, नहीं करना है तो आप जानो, आपको दान करना है तो करो, नहीं करना है तो आप जानो, कितना भी धर्म करने की मर्जी है तो करो, मगर आपकी भलाई के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सम्यक दर्शन तो पाना ही है। तो भगवान ने फरमाया इन सभी जीवात्माओं को हमेशा के लिए दुख से छुटकारा दिलाकर, भगवान ने जो धर्म बताया है ना, हमारे भगवान तो वितराग थे, हमारे भगवान सर्वज्ञ थे, हमारे भगवान परम करुणा के सागर थे, हमारे भगवान महाज्ञानी थे, हमारे भगवान परम सामर्थ्य के मालिक थे। ऐसे भगवान ने सिर्फ क्षुद्र मेरा पंथ बढ़े ऐसा तुच्छ लक्ष्य उन्होंने कभी नहीं रखा है, उन्होंने तो सिर्फ आपको कल्याण करना है, आत्म सुख परमानंद को पाना है तो ये साधना का रास्ता है, आपको ये पाना है तो चलो, नहीं पाना है तो आपकी मर्जी, ऐसा करके भगवान ने तो छोड़ दिया।
तो भगवान ने फरमाया कि भगवान की भावना की इन सभी को हमेशा के लिए सभी प्रकार का दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने त्यागमय धर्म दिखाया है और संसार के भौतिक सुखों का त्याग करोगे बाद में ही आपका अंदर का सुख प्रकट हो सकता है। बाहर के सुखों को छोड़ने के बिना, बाहर के सुखों की लालसा को भगा देने के बिना आपका अंदर का सुख कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है। कभी हमें मुझे खुद को भी डायबिटीज है बाकी सर, डायबिटीज के हिसाब से डॉक्टर की दवाइयां मैं भी ले रहा हूं। कभी कभी कोई वैद्यराज मिलते हैं ना, आयुर्वेदिक वैद्यराज, वो पूछते हैं महाराज साहब एलोपैथिक दवाइयां लेते हो? ये बोलता वहां मैं लेता हूं, तब उनका मुंह निराश हो जाता। क्यों निराश होता है? तो वो थियरी समझाते हैं कि महाराज साहब आपका पेनक्रियास कमजोर है, आपका पेनक्रियास कमजोर है इसलिए आपका पेनक्रियास में इंसुलिन उत्पन्न कम होता, इंसुलिन उत्पन्न कम होता है इसलिए आपकी चने और बदाम उन दोनों में अच्छी क्वालिटी का वाला माल क्या, चने और बदाम दोनों में अच्छी क्वालिटी वाला माल क्या, बदाम अच्छी क्वालिटी वाला ऊंचा माल है, चना जो है वो नीचे के स्तर का साधारण क्वालिटी का माल है। तो मैं आपको समझाने के लिए चने और बादाम का उदाहरण दिया है। चने जैसे हल्की क्वालिटी का माल है, वैसे ये संसार के जितने भी सुख है वो सब हल्की क्वालिटी का माल है, और बादाम ऊंची क्वालिटी का माल है, वैसे आध्यात्मिक सुख जो है वो ऊंची क्वालिटी का माल है। अब आपकी थैली में बादाम को भरना है तो पहली शर्त क्या है, चने को खाली करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं चना बाद में खाली करूंगा, पहला मेरी थैली में आप बादाम को भर दो तो ही मैं चना खाली करूंगा, तो आपका दर्जा किसके जैसा रहेगा आपको पता है? ऐसा कौन बोल सकता है? पहला सही बात है, पहला मेरी थैली में बादाम भरो। महाराज साहब आप पहला हमको अध्यात्म का सुख का स्वाद चखाओ, बाद में हम संसार का सुख छोड़ेंगे। हम बोलते हैं कि संसार का सुख छोड़ने के बिना आध्यात्मिक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है, और फिर भी आप आग्रह रखो कि मुझे पहला आध्यात्मिक सुख चखाओ तो ही मैं ये छोड़ सकता हूँ। तो हम आपको, ये भाई ने बोला ना वैसा दर्जा हम देते भाई क्या बोला आपने, वो कैसा है, आप सब बोलो ना वो कैसा है, मूर्ख है। तो संसार का सुख को छोड़ने के पहले आप आध्यात्मिक सुख की अनुभूति की अपेक्षा रखते हो तो आध्यात्मिक परिभाषा में हम आपको मूर्ख का दर्जा देते हैं, आप गलत मत लगाना। ऐसा बोलने के वक्त मुझे मजा नहीं आती है, मैंने इन लोगों को मूर्ख बना दिया, मुझे कोई गौरव नहीं है, मुझे दर्द होता है। हमारे अनुयायी है, हमारे भगवान के अनुयायी होने के बाद मैं उनको मूर्ख का दर्जा दूं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर आपको आपकी वास्तविकता बतानी तो पड़ेगी ना, इसलिए बोलता हूँ भाग्यशाली। मगर जितना चना भरा हुआ है ना उतनी बादाम का समावेश कम रहेगा, उतना बादाम का आप जो थैली भर के जो बादाम चाहिए तो थैली भर के चना खाली कर देना पड़ेगा। अच्छा अब मैंने बोला कि चना तो खाली कर दिया बादाम नहीं आई तो ये भाई ने पहला बोला ना कि वहां भी रिस्क करना पड़ता है। भाई ने पहले ही बताया कि महाराज साहब जो बादाम चाहिए तो रिस्क करना पड़ता है, मैं वही बोल रहा हूँ आध्यात्मिक सुख चाहिए तो आपको भी रिस्क करना पड़ता है, और ऐसे ही रिस्क नहीं करना है। आगे बहुत लोगों ने यहाँ आज हम 30 साधु साध्वी आपके हुबली केशवापुर में है, ऐसे तो पूरे हुबली में तो बहुत साधु साध्वी जी है, सिर्फ आपके केशवापुर में 30 जितने साधु साध्वी है, उन लोगों को दिख के तो हिम्मत करो, ये सबने बादाम पा लिया है तो मैं भी पा सकता हूँ। इन लोगों ने बादाम पाया है, आप किस लक्ष्य से नमस्कार करते हो बाकी सली, हम तो वंदन करते हो ना, इच्छा भी क्षमा सुनो
वंदी ओम जावणी जाए ऋषि आए मथेर वंदा मी करते हो ना, उस वक्त आपकी सोच क्या होती है? आप इतना ही सोचते हो महाराज साहेब ने कष्टकारी मार्ग अपनाया, महाराज साहेब ने चारित्र धर्म का स्वीकार किया है, इसलिए मैं वंदना करता हूँ। नहीं, आप सोचो उन्होंने बादाम का व्यापार खोल दिया है, हम चने के व्यापार में अटक गए हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, ऐसा सोचो। हमने जो पाया है आपको लगना चाहिए महाराज साहेब वास्तव में हमारे से ज्यादा सुखी है, महाराज साहेब वास्तव में हमारे से ज्यादा सुखी है, हम दुख से भरे हुए हैं, हम उद्गल के गुलाम हैं, हम दयनीय दशा में जीवन गुजार रहे हैं, त्यागी साधक अध्यात्म की दुनिया में खेलने वाले ऐसे गुरु भगवान महासुख के स्वामी है, उस दृष्टि से गुरु भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसा सुख कहाँ है? ऐसा सर्वोच्च सुख तो मोक्ष में, उस सुख की आंशिक झलक का अनुभव आज भी हम करते हैं, उस सुख के आंशिक झलक का अनुभव हम आज भी करते हैं। आज हम जितनी कक्षा का सुख का अनुभव करते हैं ना, वो भी हमको आपसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो इससे अनंत गुना ज्यादा सुख जब हमको मोक्ष में मिलेगा, वहां की अनुभूति कितनी अद्भुत होगी, वो कल्पना भी हमारे अंदर में सुख को भर देती है। सिर्फ ये कल्पना, यहाँ आज इतनी मजा आती है तो अनंत सुखमय मोक्ष जब मिल जाएगा तब आनंद कितना होगा, वो कल्पना भी हमारे अंदर में खुशी को भर देती है। आप श्रावक हो तो आप छोड़ सको या न छोड़ सको बाद में की बात है, मगर आपका विषय स्पष्ट हो जाना चाहिए, आपको यहाँ का आकर्षण होना चाहिए, आपको ये संसार बुरा अंदर से बुरा लगना चाहिए। इतना भी हो गया, जिसको संसार बुरा लगता ये जिंदगी परम सुख से भरी हुई है, ऐसी आवाज जिसकी नाभि में से निकलती है, त्याग करके आत्मा का आनंद को पाना वो ही मानव जन्म का कर्तव्य है, ऐसा श्रद्धा जिसके अंदर में प्रकट हुई है, भगवान फरमाते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के अलग अलग लक्षण बार बार आते रहेंगे, सब आप नोट बनाओ, जब सभी का एक साथ स्वाध्याय करोगे ना मजा आएगा, कितना अद्भुत तत्व भगवान ने फरमाया। ऐसा सुख मोक्ष में है, इसलिए भगवान ने भावना की इन सभी जीवात्माओं को मोक्ष तक मुझे पहुंचाना है, मगर वो कैसे पहुंच सकता है? आज जिस दशा में वो घिरे हुए हैं, वहां से इनको ऊंचे उठाना पड़ेगा। ऊंचे उठाते उठाते शुरू में इतना ऊंचा उठाया, बाद में इतना ऊंचा उठाया, बाद में इतना ऊंचा उठाया, बाद में इतना ऊंचा उठाया, ऐसे करते करते जब लास्ट पोजीशन तक पहुंच जाएंगे तब जीव को मोक्ष मिल जाएगा। तो ये बीच बीच में की जो अवस्था है ना, ऐसी जो बीच बीच में वाली अवस्था है ना, उसको भगवान ने गुणस्थानक शब्द से मिलाया, इसको गुणस्थानक बोलते हैं। ऐसे कितने गुणस्थानक है? 14 गुणस्थानक है। उसमें से भगवान फरमाते हैं जिसने चौथा गुणस्थानक एक बार स्पर्श कर दिया, जिसने चौथा गुणस्थानक तक पहुंच गए एक बार भी, बाद में ऐसा बनता है हम साधना करते हैं बीच बीच में गिर जाते हैं, साधना करते हैं बीच बीच में गिर जाते हैं, गिर जाते हैं तो फिर से हमें ऊंचे उठने की साधना करनी पड़ती है। मगर जो व्यक्ति एक बार दो बार तीन बार भी वहां तक पहुंचा है ना, तो उनको चौथी बार वहां तक पहुंचने में इतना कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई, समझ में आता है। तो भगवान फरमाते हैं जिस व्यक्ति ने एक वक्त भी चौथे गुण स्थानक पर जो व्यक्ति पहुंच गया, वो व्यक्ति 100 भवों के बाद, 500 भवों के बाद, 1000, 2000, 5000 भव के बाद, या तो लाखों भव के बाद भी निश्चित रूप से वो आत्मा मोक्ष में पहुंचेगा, पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो जब तक सम्यक दर्शन बोलो या तो चतुर्थ गुणस्थानक बोलो, दोनों एक ही चीज, सम्यक दर्शन बोलो या तो चतुर्थ गुणस्थानक बोलो, दोनों एक ही चीज है। आज जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो चौथे गुणस्थानक पर है, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जिस व्यक्ति ने
व्रत धारण किया है, व्रत नियम पचखान करके जो प्रतिज्ञा से जुड़े हुए हैं, वैसे प्रतिज्ञा से भरपूर जीवन जीने वाला व्यक्ति वो पांचवे गुण स्थानक पे है। ये सब अब ध्यान में रखना। जैन दर्शन का जो तत्व ज्ञान है ने, वो मैं धीरे 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 खोल रहा हूँ, और ये सब जब आपको पता चलेगा, आपकी आत्मा इस पदार्थों से भावित होगी ना, तब आपका सम्यक दर्शन भी निर्मल बनेगा, अंदर से इतना आनंद आएगा। मेरे पास जो भी साधु है ना भाग्यशाली, कितनी उम्र वाले हैं, मैं 50 साल का हूँ, मेरे साथ एक महाराज है वो 50 साल की उम्र का है, और अभी 4 महीने पहले एक महाराज साहब ने दीक्षा ली जिनकी उम्र 70 साल की। 50 या तो 50 से ऊपर वाले हम तीन, मैं तो 50 से अंडर में हूँ अभी, फिर भी 50 वाले हम 16 साधु में से 13 साधु ऐसे हैं, एक कृपार तो ये 36-37 साल का, उससे अलावा सब 30 साल के नीचे के है। 16 साधु में से करीबन 10 साधु ऐसे है, 16 साधु में से करीबन 10 साधु ऐसे है जिनकी दीक्षा 15 साल से भी नीचे की उम्र में हुई। मैंने दीक्षा ली सिर्फ 10 साल की उम्र में, और जो साधु है किसी ने 12 साल की उम्र में ली, किसी ने 13 साल की उम्र में ली, किसी ने 14-15 साल की उम्र में ली, 15 साल के अंदर में दीक्षा ली हुई हो, वैसे 16 में से करीबन 10 साधु 15 साल की नीचे की उम्र में दीक्षा ली है। सब युवानी में से गिर रहे हैं, अभी पसार गुजर रहे हैं। इन सभी को पूछो आपका आनंद कितना, उनको मैं गारंटी से बोलता हूँ कभी मोबाइल याद नहीं आता। कितने लोगों को ये प्रश्न होता है, आगे कभी भी इसका भी जवाब दूंगा, महाराज साहब इतनी छोटी उम्र में दीक्षा कैसे दे सकते हैं। मैं मेरे गुरुदेव का, आचार्य भद्रंकर सुरीश्वर जी महाराज का मैं उपकार मानता हूँ कि गुरुदेव हमारे मूर्ख लोगों ने जब ऐसी दलील आपके सामने भी की होगी कि 10 साल के लड़का को आप दीक्षा क्यों दे रहे हो, और उनकी बातों में आकर आपने शायद मुझे रुक लिया होता, आपने बोला होता कि 18 साल का तू हो जा, बाद में दीक्षा दूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं 18 साल के बाद दीक्षा के मार्ग पे आ सकता। मैं भी आप जैसे मोह माया में गिर गए हो ना, वैसे मेरी भी दशा वैसी ही होती, मैं भी मोह माया में गिर जाता तो आज मेरा हुगली में चौमासा नहीं होता, और आपको मेरा ये प्रवचन जो आज आपको सुनना मिलता है ना, वो नहीं मिलता। और जैसे आप उदासीनता से भरे हुए हो, घर में संघर्ष करके आपकी जिंदगी निभा रहे हो, वैसा दिन मेरा भी हो सकता, इसलिए मैं मेरे गुरुदेव का बार बार याद करके चरणों में सिर झुकाता हूँ और उपकार मानता हूँ कि गुरुदेव ऐसे अज्ञान लोगों की बात में नहीं आकर आपने मुझे बचा लिया, मेरा हाथ पकड़ के इस संसार में मुझे ऊंचा उठा लिया ना, तो प्रभु मेरी जिंदगी सफल हो गई। इतनी खुशी मुझे तो महसूस होती है कि गुरुदेव ने जब 10 साल की उम्र में मुझे दीक्षा ले लिया। इस बारे में बहुत लोगों को प्रश्न है, वो मैं खुद भी कभी कभी आपको बता सकता हूँ, उसका समाधान दे सकता हूँ। आप में से भी किसी को पूछना है छोटी उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए या न लेनी चाहिए, मैं जवाब तो सब देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तो लगता है कि आपको मेरे मुंह से जवाब की जरूरत ही नहीं रहेगी, मेरा व्यक्तित्व दिख के आपको समाधान हो जाना चाहिए कि नहीं, बाल वही में दीक्षा लेने वाला कहां तक पहुंच सकता है। फिर भी आपको चाहिए तो हर प्रकार का जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठा, चाहे कोर्ट का कोई वकील भी आ जाए ना मेरे सामने, महाराज साहब ये आप गलत कर रहे हो, वो मैं सही हूं, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, बीच में बात सिर्फ थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ कि अपन को चर्चा करना है छोटी उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप पुरवार कर दो कि नहीं लेनी चाहिए, इन सभी को मैं आपके वहां वापिस आपके वहां भेज दूंगा, मगर मैंने सच्चा पुरवार कर दिया कि लेनी चाहिए, तो आप सभी को इधर आ जाए। उसमें आगे वन कौन बनेंगे, शेषमल जी भंडारी पूरा संघ आपके पीछे है, आप आगेवानी लोगे तो सब आपके साथ है, तो मुझे यहाँ से साधु का परिवार के साथ मेरा चौमासा के बाद यार होगा। ठीक है, चलो भाग्यशाली आगे बढ़े। तो भगवान ने 14 गुण स्थानक जो बताया है,
पहला गुणस्थानक में क्या है, आगे आगे क्या आता है, सब धीरे धीरे मैं खोले एक साथ सब बता दूंगा ना तो आपको भी भार हो जाएगा, धीरे धीरे बताऊंगा। मगर आज इतना थोड़ा कुछ आप समझो कि जिसको पुद्गल पदार्थ में सुख नहीं है वो मेरी भ्रमणा है, सुख अंदर आत्म स्वरूप में छुपा हुआ है। ऐसी श्रद्धा जिसके दिमाग में बैठ गई वो आत्मा सम्यक है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, बार बार स्वाध्याय करना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद घर में भी आपके परिजन के स्वजन वर्ग के साथ या तो मित्र वगैरह के साथ ये सब चर्चा करोगे तो आपका अंदर में मजबूत बैठेगा। आप आज सुना कल आओगे याद भी नहीं करोगे तो आपके दिमाग में जमेगा नहीं। तो सम्यक दर्शन वो चौथा गुण स्थानक है। मैं सिर्फ आपको तीन गुण स्थानक का शब्द सिखा देता हूँ। सम्यक दर्शन वो चौथा गुण स्थानक है, देश वीरति वो पांचवा गुण स्थानक है और सर्व वीरति छठा गुण स्थानक है। मुझे पता है आप सभी को कठिन लगता है मगर बार बार मैं बोलूंगा उसकी व्याख्या बता रहूंगा, धीरे धीरे आपको जमेगा कि ये क्या भगवान के शासन की व्यवस्था क्या है, आपको समझना तो पड़ेगा ना। आज तो आप क्या मानते हो सिर्फ प्रदूषण में अर्थ ही मासक श्रवण कर लेना, भगवान की हर रोज पूजा करना, या तो ज्यादा से ज्यादा नवकार मंत्र गिनना और ज्यादा से ज्यादा सामयिक प्रतिक्रमण कर लेना, इसलिए बस हमारा धर्म खत्म। उससे अलावा धर्म का जो तत्व ज्ञान है, धर्म का जो रहस्य है, उसकी अभ्यंतर जो वैचारिक धारा है, जैन दर्शन क्या क्यों महान है, उसकी उन्नति के क्या क्या लक्षण है, कोई आपने आज तक पढ़ाई भी नहीं की है, व्याख्यान भी नहीं सुना है, इस बारे में आपने कभी भी सोचा भी नहीं है। आपने जैन दर्शन को बहुत संकुचित बना दिया है, सामायिक प्रतिक्रमण नवकार वाली और अठाईताप या तो अमृत, बस इसमें ही आपका धर्म समाविष्ट हो गया। उससे अलावा जैन दर्शन कितना अद्भुत है, जैन दर्शन कितना व्यापक है, जैन दर्शन कितना विशाल है, उस बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। इस चौमासे में अपन को वो कोशिश करना है कि जैन दर्शन की कितनी गरिमा है वो हमें समझना। तो भगवान ने जो 14 गुण स्थानक बताए हैं, उसमें से बीच में वाला 3 गुण स्थानकों का सिर्फ आपको आज मैं नाम सिखा रहा हूँ। चौथा गुण, पहला गुण स्थानक का नाम क्या वो बाद में बताऊंगा। चौथा गुण स्थानक है सम्यक दर्शन गुण स्थानक। क्या नाम है? सम्यक दर्शन गुण स्थानक। वो चौथा पगथिया, चौथा स्टेप है, चौथा गुण स्थानक है सम्यक दर्शन गुण स्थानक। पांचवे नंबर में आएगा देश वीरति गुण स्थानक। क्या नाम है? देश वीरति गुण स्थानक, वो पांचवा नंबर का स्टेप से। और सर्व वीरति गुण स्थानक, क्या नाम है? वो कितने नंबर का है? छठे नंबर का। सम्यक दर्शन गुण स्थानक वो चौथे नंबर का है, देश वीरति गुण स्थानक वो पांचवे नंबर का है, और सर्व वीरति गुण स्थानक वो छठे नंबर का है। देश वीरति सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? भौगोलिक पदार्थों में मुझे जो सुख महसूस होता है ना, वो भ्रामक है, वो असार है, वो छोड़ने जैसा है, वो छोड़ूंगा तभी मेरा अंदर का सुख को उजागर होने की साधना शुरू होगी। मुझे अंदर का सुख पाना है तो बाहर का सुख को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरी कमजोरी है, मेरी नहीं आपकी। आपके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तो वो मेरी कमजोरी है। सच्चा आनंद, परमानंद पाना है तो इस साधना करने के अलावा मुझे वास्तविक अभ्यंतर आत्म स्वरूप का जो सुख है वो नहीं मिल सकता। ऐसी श्रद्धा, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। भले आप नहीं छोड़ सकते हो मगर आपके अंदर से आवाज निकलेगा कि मैं फंसा हुआ। जिसको लगता है कि मैं संसार में फंस गया हूँ वो आत्मा सम्यक दृष्टि। आपको ये सब व्याख्या याद रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, सब याद नहीं रहेगी, हर रोज दो तीन दिन में एक तो बार ऐसी व्याख्या आती रहेगी। जिसको संसार में लगता है कि मैं फंस गया हूँ वो सम्यक दृष्टि, और जिसको लगता है कि ये सब छूट गए, हम फंसे हैं, ये सब छूट गए, ऐसा जिसको लगता है वो सम्यक दृष्टि। और जिसको लगता है कि हम मजाक करते हैं, महाराज का जीवन तो
कष्ट से भरा हुआ है, वैसा जिसको लगता है ना वो मिथ्या दृष्टि। मेरे मुंह पे जितनी खुशी है, वास्तव में बोलो इस सभा में जो जाजम कटाशने पर बैठे हैं इसमें से कितने लोग हैं मेरे जैसी खुशी ताजगी उनके मुंह पे हो? हाँ, मुझे गौरव है, मैं अच्छी जगह पर पहुंच गया हूँ। मैं भगवान का उपकार मानता हूँ कि प्रभु तेरी मेरे पर कितनी करुणा। इस संसार में हजारों लाखों लोग जीवन जीते हैं, आपने किसी पर हाथ नहीं लगाया, मेरे सिर पर हाथ रख के, मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस संसार के कीचड़ में से आपने मुझे बचा लिया। प्रभु आपका कितना उपकार, मुझे रोज आनंद 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 आता है। तो अभी इतना दिमाग में रखो कि संसार में मैं फंस गया हूँ। मैं भी छोटी उम्र में ऐसे कोई सदगुरु के पास संसार छोड़ दिया होता, कितनी मजा आता। आज नरत्न महाराज जितनी मजा करते हैं ना, उससे ज्यादा आनंद शायद मैं करता होता। ऐसा महसूस होता है, वो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को आप कितना धर्म करते हो उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। आपकी अंतरंग अनुभूति क्या है, आपकी संवेदना क्या है, आपकी सोच का स्तर क्या है, आप उद्गल में फंसे हुए हो या आप आत्मा से जुड़े हुए हो, उससे उसके आधार पर आपका सम्यक दर्शन का अस्तित्व है या नहीं है वो तय हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा की अनुभूति करता है, आत्मा में ही सुख है, वैसी जिसके अंदर में श्रद्धा मजबूत प्रकट हुई है। और ये सब असार है, विनाशी है, कर्म बंद करवा के मुझे दुर्गति में रुलाने वाला है। जब छूट जाएगा तब मुझे रुलाने वाला है, मुझे रड़ाएगा, मुझे रोना दी रोने का दिन आएगा। ये सब छूट जाएगा तब मैं दुखी हो जाऊंगा। वो जिसको याद रहता है वो आत्मा सम्यक है। ठीक है, उस बात को अभी लंबी नहीं करता हूं, 10 बज गए हैं। देश वृत्ति गुण स्थान कितने में नंबर का है? वो 5वें नंबर का। देश वृत्ति गुण स्थान किसको बोलते हैं? तो भगवान फरमाते हैं कितने भी आगे की 14 गुण स्थान की मैं बात करूंगा, मगर पहले 3 गुण स्थान को छोड़ दो, एक पीछे का जो 11 गुण स्थान है ना, सभी गुण स्थान में ये शरत निश्चित है, आप कितनी भी भूमिका में आगे बढ़ो आपका सम्यक दर्शन टिका हुआ होना चाहिए, तो ही आपका गुण स्थानक। तो 5वें गुण स्थानक में सम्यक दर्शन का तो अस्तित्व होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको संसार का डर लगा है, इसलिए आप व्रत नियम में आए, आपने सामयिक हर रोज एक सामयिक करने का नियम लिया, आपने हर रोज रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, आपने जमीन कंद का नियम लिया, आपने जो भी पाप कर्म मेरे जीवन में चल रहा है उसमें ब्रेक लगाना है, ऐसे संकल्प के साथ छोटी बड़ी कोई भी प्रतिज्ञा की, आगे जाकर 12 व्रत या तो 14 नियम आपने धारण किया, यानी कि शॉर्ट में आप समझो कि आप व्रत बचखान से जुड़ गए, आप व्रत बचखान से नीति नियम प्रतिज्ञा से जुड़ गए। सम्यक दर्शन के साथ जो आप छोटी बड़ी प्रतिज्ञा से जुड़े हुए हो वो आपका 5वां गुण स्थानक, यानी कि उसको देश वृत्ति गुण स्थानक बोलते हैं। समझ में आता है? हाँ, आपने व्रत पचखण किया मगर सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं है, तो तात्विक रूप से आपका 5वां गुण स्थानक नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन के साथ छोटा बड़ा नियम ग्रहण करो तो आप देश वृत्ति यानी के 5वें स्टेप पर पहुंच गए। और जिसने सर्व सावध्य पाप व्यापार का त्याग करके जिंदगी में कभी भी हिंसा नहीं करना है, जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, जिंदगी में कभी भी चोरी या ब्रह्म परिग्रह नहीं करना है, ऐसे पंच महाव्रत धारण करके जिन्होंने दीक्षा जीवन का स्वीकार किया है, सर्व पूरे जीवन भर चरित्र धर्म की साधना करने की जिसने प्रतिज्ञा की, मतलब की जिन्होंने दीक्षा ली है, वो सब सर्ववृत्ति गुण स्थानक। कैसा नाम है? यानी के कितना गुंठाना? छठा। वो छठे गुंठाने। हाँ, मगर हमने दीक्षा ली, व्रत नियम की पालना करते हैं, मगर सम्यक दर्शन नहीं है तो हम पहले गुंठाने। ये गुण स्थानक की साधना के बारे में भगवान ने जो योग का स्वरूप बताया, जो योग बिंदु ग्रंथ की रचना हरिभद्र जी महाराज ने की है,
वो योग बिंदु ग्रंथ हमारे जैसे साधु के लिए भी उपयोगी है, आप जैसे संसारी के लिए भी उपयोगी है। तो हरिभद्र रसूरी जी महाराज ने क्या क्या रहस्य इस ग्रंथ में डाला है वो आगे आगे के प्रवचन में बता रहूंगा। भगवान की वाणी के माध्यम से हमारी आत्मा पावन बने, मोह माया का क्षय करके हर हम परम पद की यात्रा में आगे बढ़े, वो ही अंतर से मंगल कामना।